आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा काम करने वाली हूँ जो कि आज तक किसी औरत ने नहीं करा। आज मैं मिश्कात खान की यूट्यूब की इनकम रिवील करने वाली हूँ और ये देखें मिश्कात खान ने अपनी यूट्यूब की इनकम कहाँ छुपा कर रखी है। जी हाँ, वॉशरूम के अंदर। ये देखें भाई, वॉशरूम के अंदर कम्बोर्ड के नीचे। अरे भाई ये देखे, इतने सारे पैसे, इतने सारे नोट। ओ भाई साहब, पैसा ही पैसा, रोकड़ा ही रोकड़ा, ये चेक करो भाई साहब। आप लोग कमेंट में बताएं कि ये कितने सारे नोट हैं और जिसने सही बताया तो आपका भाई सारे के सारे नोट उसको गिफ्ट दे देगा। अरे भाई साहब फटाफट कमेंट करो और पैसा जीतने का मौका हाथ से मत जाने दो। रे 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 रे, अल्लाह रिप्लाई आ गया। रे 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 रे, इसका रिप्लाई आ गया किसी का नहीं। सुने आप पहले तो ये बताएं, आप इतना दूर दूर क्यों भाग रहे हैं? काम बोलो, काम क्या है? आप मेरी तरफ से देखें, आज मैं कितना तैयार होकर आई हूँ। जब तुम्हें कोई काम होता है ना उसी वक्त तैयार होकर आई हूँ जानू। वैसे तो तुम्हारी शक्ल होती है ये लेकर आओ, अंडा लेकर आओ, दही लेकर आओ, और जब कोई काम होता है सुने मैं कितने तैयार होकर लिपस्टिक लगाकर आई हूँ। ओह माय गॉड, अबे जा। आपके अंदर थोड़ा सा प्यार है बेगम के लिए? अबे समझता हूँ तेरे ड्रामेबाजी को। अच्छा चले ना, छोड़े ना मूड अच्छा करें अपना। माशाल्लाह आपकी बॉडी भी दिन ब दिन अच्छी हो रही है। काम बोलो जानू। मेरे पास कपड़े खत्म हो गए, आज मुझे शॉपिंग पर ले चले। आज क्या है? पीर है। पीर है तो पीर बाजार चलते हैं। क्या हो गया लुंडा के कपड़ों से आपने मेरी अलमारी घर हर चीज भर दी है। आज मुझे लकी वन मॉल जाना है। कहाँ पर? लकी वन। अबे तेरे मुंह से निकला कैसे लकी वन? अबे तेरी शक्ल तो लुंडे वाली है। देखिए मैं भी आपकी जिंदगी में आई लकी हो गई, आप भी लकी हो गए। अबे तू और लकी। अबे जावे। हाँ मैं कहाँ पर था, रिप्लाई कर रहा था। यार आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं आपसे नाराज हूँ। आप मुझे मनाएंगे भी नहीं क्या? अबे जा, तेरी शक्ल मनाने वाली है। जानू लेके चले ना। देखे आपको जो भी मिल रहा है ना मेरे नसीब से मिल रहा है। लेकिन नसीब तो अभी तक आया ही नहीं है। बस बहुत हो गया, आप इतने बड़े यूट्यूबर, 1.4 मिलियन आपके सब्सक्राइबर, मिश्कात खान आपका नाम, और आपने आज तक अपनी बेगम को यूट्यूब की इनकम नहीं बताई। अपनी बेगम को तो हर कोई हर चीज बताता है। देखो बात सुनो, ये यूट्यूबर ना सारे के सारे पागल बनाते हैं। लैंड क्रूजर निकाल ली, फॉर्चुनर निकाल ली, मैं महीने में दो ऑल्टो निकाल लेता हूँ, शोरूम निकाल लेता हूँ। अरे भाई साहब ये सब पागल बना रहे हैं। यूट्यूब की इनकम से ना बंदा 70 बाइक भी खरीद ले बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत पागल बना लिया अपनी बेगम को। आप मुझे अपनी बेगम को लुंडे के कपड़े पहना रहे, ये कहाँ का इंसाफ है? आज मैं पता लगा कर रहूंगी कि आपकी YouTube की इनकम कितनी है और आपने कहाँ छुपा कर रखी है। आज आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ हाँ जाके देख लो, नहीं मिलेगी इनकम से इनकम। पता नहीं क्या मिश्कात खान इतने कमाता है, जा यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिश्कात खान वाइफ। आज हम लोग मिश्कात खान की इनकम के बारे में पता करेंगे। बहुत नोटी है, कमाता लाखों में पर बताता किसी को कुछ नहीं है। अरे जा। अरे चलो, तो आज से आप लोगों का चैनल चलाने आ गई है मिश्कात खान की वाइफ। अबे एक व्यू भी आ जाए ना बड़ी बात है। देखें लड़कियों को ज्यादा इज्जत मिलती है, तो मुझे आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दें और आज हम देखेंगे मिश्कात खान की इनकम। पूरा घर चप्पा चप्पा चांद मारूंगी और तुम्हारे पैसे में पता लगा कर रहूंगी। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं। आई हई इसमें से तो बदबू आ रही है, इतना नीच और इतना घटिया आदमी ना, एक शर्ट आपको पता ही है दो दो महीने चलाता है। हम लोग बेड के नीचे देखते हैं, कई पुराने घटिया लुंडे के जूते पड़े हुए हैं। ये देखे आज मैं सारे राज फाश कर दूंगी इसके, इसने मेरे साथ क्या क्या जुल्म सितम करे। चले ये अलमारी में देखते हैं, ये देखें सारे लुंडा के कपड़े भरे हुए। चले बाहर देखते हैं। ओए तू क्या कर रहा है? अरे ये तुम्हारा कैमरा मैन है, इसको तुमने इधर छुपा दिया था। वैसे आप लोगों को आपस की बातें मैं बता रही हूँ, बहुत कंजूस है, मुझ पे खर्चा नहीं करता है जरा सा भी। मुझे तो लगता है कम से कम इसकी जो है ना 1 लाख रुपए तो सैलरी है, लेकिन ये बताता नहीं है। पता नहीं इतना पैसा कहाँ लेके जाएगा, बच्चे कच्चे तो है नहीं, कुछ होता तो है नहीं इनसे। अब आप लोगों को क्या क्या बताऊं मैं अपने दिल के हाल। चले यहाँ पे दराजों में चेक करते हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, बोल रहा हूँ ना नहीं है इनकम से इनकम कोई। सुने मैं अपने सब्सक्राइबर से बात कर रही हूँ और अपने दिल का दुखड़ा मैं अपनी ऑडियंस से रो रही हूँ, आपसे तो मैं कोई बात नहीं कर रही ना। ये देखो पठान से लिया 80 रुपए का चश्मा, वही पहना हुआ हूँ। बहुत ज्यादा कंजूस है, आप लोग नहीं जानते इसके साथ जिंदगी में किस तरीके से किस अजियत से गुजार रही हूँ। एक सबर वाली लड़की मैं सीधा जन्नत में जाऊंगी, बहुत कंजूस है, मतलब एक एक रुपए के लिए मुझे तरसा के रखता है। इतना पैसा आप कहाँ लेके जाएंगे? पैसा होगा तो लेके जाऊंगा ना, नहीं है पैसा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ अभी मैं आप लोगों को ढूंढ के बताती हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। आज जो है ना मैं आप लोगों के सामने इसकी इनकम बताकर ही रहूंगी, और इसने अगर कब्र में भी छुपा कर रखी हुई होगी ना तो निकाल के लेकर आऊंगी मैं। यहाँ हो सकता है इसने यहाँ छुपाई हुई हो।
अरे यहाँ तो लिपस्टिक है, कैसी लग रही हूँ? कि मेरे वो सब्सक्राइबर को मैंने पप्पी दी है जो बहुत प्यार है। चले यहाँ पर भी देख लिया, बोरों बोरों के अंदर तो नहीं छुपाया बस ने? कहाँ छुपा सकता है, कहाँ छुपा सकता है, कहाँ छुपा सकता है ये? एक काम करती हूँ। हाँ बेटा, जो कोई नहीं करता वो मिशकात खान करता है। तुमने अपनी इनकम वॉशरूम में छुपाई है? जिस तरीके से तुम डर रहे हो ना, सबको पता है वॉशरूम में। अभी देख लेते। अरे अरे जाने तो दो, बात सुनो। कहाँ इनकम? नहीं है। नहीं नहीं, आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? मुझे चेक तो करने दे। नहीं, बाहर निकलो यार। हाँ, मेरी ये यूट्यूब की इनकम है। मैं 8 साल से छुपा छुपा के रख रहा था। मेरी मैंने बहुत मेहनत से ढूंढ लिया। देखे वॉशरूम में गंदी बात बुरी बात छोड़े छोड़े। अच्छा मैं खुद दिखा रहा हूँ, छोड़ो मैं खुद दिखा रहा हूँ, चले दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, कैसे हैं आप लोग? भाई आज आपका भाई अपनी YouTube की इनकम को रिवील करने वाला है, मतलब YouTube की इनकम को बताने वाला है। बल्कि लोग तो बताते हैं, आपका भाई दिखाने वाला है। अरे भाई साहब, आपके भाई ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि यार बेगम से छुपा लूं, लेकिन मेरी बेगम इतनी ज्यादा चिपकू है ना कि इसने कमोड के नीचे से ढूंढ लिया। यार अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी बेगम किसी को ना दे यार, क्योंकि इतनी ज्यादा चिपको किस्म की बेगम है कि आपके भाई ने सोचा था कि जिंदगी भर कभी अपनी इनकम नहीं दिखाएगा, लेकिन इस बेगम के चक्कर में ना आप लोगों के सामने भी अपनी इनकम दिखानी पड़ी है। यार यार बेगम एक काम करते हैं ना, सिर्फ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, लोगों को छोड़ो यार। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैंने लोगों से वादा करा है आपको रिवील करनी पड़ेगी। अरे तो हमारी आपस की बात है ना, छोड़ो ये कट हो जाएगा। नहीं ना, ये भी हमारे अपने हैं ना, कितने प्यारे प्यारे हैं, क्यूट क्यूट, आपसे भी ज्यादा क्यूट है। यार फिर इनको बोलो ना चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनो मेरी जान, चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार, इतने प्यार से बोली, अब तो कर दो ना यार। फाइनली आपका भाई यूट्यूब की इनकम को रिवील करने वाला है। अरे बेगम सही से तो बैठो, क्या मर्दाना अंदाज में बैठी हुई हो? अरे भाई साहब इतनी सारी इनकम, मतलब इसके अंदर ना नोट ही नोट है, पैसा ही पैसा, रोकड़ा ही रोकड़ा। ये चेक करो, राल कैसी टपक रही है। तो आपके मरने के बाद सारा मेरा ही तो है। अस्तगफुरुल्लाह, पहले तुम मरोगी यार। पहले शौहर जाते हैं कहीं पर भी देख ले आप। वैसे ये बात तो है, हमेशा दादा मर जाता है दादी जिंदा रहती है। बेगम देख लो, नजर ना लग जाए यार। शानू नहीं लगेगी, आप दिखाए ना भाई साहब। ये आपका भाई रिवील करने वाला है। पैसा ही पैसा, रोकड़ा ही रोकड़ा। ये चेक करो भाई साहब, मतलब आपने जिंदगी में इतने सारे पैसे एक साथ कभी देखे? खुशबू आ रही है। ओए ओए ओए, अबे उस्ताद ये औरतें तो फौरन नोटों को देख के पागल हो जाती है। अबे ओए पागल है, चोरी नहीं करो ये बेगम। मेरा ही तो है सारा। तो मरने के बाद होगा ना, मेरे मरने के बाद, अभी तो मेरा है ना। आप लोगों को लग रहा होगा ये सारे के सारे जाली नोट है, लेकिन भाई साहब ये सारे के सारे असली नोट है। ये चेक करो, बिल्कुल कड़क कड़क कायदे आजम। अरे भाई साहब फुल, मतलब असली असली नोट, और इतने सारे नोट, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब आपके भाई के ना मुंह में देख के पानी आ रहा है यार। सुने कायदे आजम, मुझे गंदी नजरों से देख रहे हैं। बेगम चेक कर रही हो, तुम्हारा शौहर कितना ज्यादा अमीर है। ये सारा तुम्हारे शौहर ने मेहनत करके कमाया है। बस कर दे अमीर, सारे तो 10-10 के नोट है। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब की इनकम है या किसी भिखारी की इनकम है? क्या मस्जिद के बाहर बैठते थे? आप लोग कमेंट में बताएं कि ये कितने सारे नोट है, और जिसने सही बताया तो आपका भाई सारे के सारे नोट उसको गिफ्ट दे देगा। अरे भाई साहब फटाफट कमेंट करो, और पैसा जीतने का मौका हाथ से मत जाने दो। और भाई तुम लोग ये नहीं समझना कि आपका भाई ऐसी बोल रहा है, भाई आपका भाई अगले व्लॉग में किसी न किसी को ये नोट देगा। जिसने भी सही कमेंट किया उसके सारे के सारे नोट उसके हो जाएंगे। ओ भाई फटाफट कमेंट करो, तुम लोग भी जीत सकते हो। यार ये चेक करो, कड़क कड़क आवाजें। अरे भाई साहब, और नोटों की जो खुशबू होती है ना, मतलब आपका भाई जो दूध का नशा वशा ना सब कुछ भूल गया, नोटों की खुशबू के सामने सब कुछ फेल है। ओए बेगम चुराना नहीं। सुने मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी एक अच्छी सी पिक लेना नोटों के साथ, मैं लेटती हूँ, मुझे अपनी सहेलियों को जलाना है। तो बेगम लेटोगी तो लूंगा ना। हाँ मैं लेटती हूँ, तुम लेटो मैं लेता हूँ। अरे टांगे तो नीचे करो। अरे बेगम तुम्हारी क्या पिक्चर आ रही है, मतलब तुम लेटी हुई हो, इधर भी तुम्हारे नोट है, इधर भी नोट है। एक काम करता हूँ ना, मैं ऊपर से नोट फेंकूंगा, तुम ना ऐसे मजे वाला रिएक्शन देना, फिर तुम्हारी दोस्तें ना सारी जल जाएंगी। ये भाई साहब, अरे भाई साहब ये चेक करो, मतलब इतने सारे नोट। अरे भाई साहब,
अरे मेरी बेगम तो नोटों में छुप गई पूरी की पूरी। बेगम सिर्फ तुम्हारे पीले दांत नजर आ रहे हैं। यार आपके भाई को ना बचपन के दिन याद आ रहे हैं यार। मतलब बचपन में भी ना आपका भाई ऐसी नोट जमा किया करता था। अम्मा सामान के पैसे देती थी 90 रुपए, 10 रुपए बचते थे ना आपका भाई गाड़ लेता था और गाड़ के ना बोरे में भर भर के रखता रहता था। और ऐसी एक दिन आपके भाई ने इतने सारे नोट जमा कर लिए। आप लोग कमेंट में बताएं आप लोग भी ये हरकत करते थे नहीं करते थे। ये देखो भाई आपको पैसे की बस्ती में लेके जा रहा हूँ, ये चेक करो। औरंगी टाउन आ गया, ये आ गया पैसों का नाजमाबाद, ये आ गया भाई कोरंगी, ये आ गया भाई मलेर, पूरी की पूरी पैसे की बस्ती है उस्ताद। यार एक मसला है यार, मैंने बेगम के सामने सारे नोट तो दिखा दिए लेकिन ना मुझे अपनी बेगम पे भरोसा नहीं है, क्योंकि एक नंबर की ना तेज औरत है, वो नहीं होती एच औरत, वो है यार ये। यार अल्लाह करे नोट वोट गाढ़े ना हो यार इसने। अरे यार ये चेक करो 500 के नोट काफी कम लग रहे हैं। बेगम 500 के नोट काफी कम लग रहे हैं यार। नहीं वो मैं गिनती मार रही थी, 500 की कमी थे। बेगम तुम पागल वागल हो गई हो, इतने सारे 500 के नोट थे यार, एक भी नजर नहीं आ रहा। सुने 500 का एक नोट में 10-10 वाले कितने आते हैं? 10 वाले 500 के नोट में बहुत सारे आते हैं, 50-60 आते हैं। तो मैंने बोला और ज्यादा पैसे हो आपके पास, मैं खुला करवा के ले आया। लेकिन ये तो नोट और कम लग रहे हैं। बेगम कहाँ है 500 वाला नजर नहीं आ रहा यार। यार मैंने बहुत मेहनत से कमाई की थी। आपकी यही बुराई है, देखिए हस्बैंड वाइफ में ट्रस्ट मजबूत होना चाहिए। आप मुझ पे शक करते हैं और शक की बुनियाद में पता है कि हम दोनों की अलहदगी हो जाएगी। बेगम तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी मुझे। आप मेरी तलाशी लेंगे अपनी बेगम की? नहीं नहीं मैं कभी नहीं दूंगी आपको अपनी तलाशी, क्योंकि मुझे लग रहा है चोर तुम ही हो। चलो तलाशी दो अपनी। अरे नहीं नहीं, एक मिनट आप मेरी इज्जत पे हाथ डाल ले। नहीं बेगम तुम्हारा पेट क्यों फूला हुआ इतना? अरे ये कुछ भी नहीं है, ये मैंने सर्दियां है ना ये जीन्स वाला वापर पहना हुआ है। बेगम तुमने तो खाना भी नहीं खाया, तुम्हारा पेट क्यों फूला हुआ है? देखें आप मेरी इज्जत पे हाथ नहीं डाल सकते। नहीं बेगम तलाशी नहीं तुम्हारी। अरे बेगम तुमने सारे नोट गाड़ लिए और गाड़े भी सिर्फ 500 वाले, मतलब 10 का एक नोट भी नहीं है। मैं देखना चाह रही थी आपको कि आप मुझे पकड़ पाते हैं या नहीं, ये मजाक था, इट्स जोकिंग। बेगम मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। नहीं मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं लुट जाऊंगी, मेरा कोई नहीं आपके अलावा। यार मेरी बेगम इतनी ज्यादा तेज है, सिर्फ 500 वाले नोट गाड़े अंदर अंदर भी होंगे। अरे भाई साहब ये तो अंदर से, अरे भाई साहब इतने सारे नोट अंदर अंदर से निकल रहे हैं। बेगम तुम पागल वागल हो, अपने शौहर को धोखा दे रही हो यार। मैं धोखा नहीं दे रही है, आपका पैसा मेरा पैसा हमारा एक ही तो है। तो भाई उम्मीद है आज के ब्लॉग में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, अगर मजा आया तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।